एयर बबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर बबल शीट का इस्तेमाल सामान की पैकिंग करने के लिए किया जाता है। किसी भी कीमती चीज की पैकिंग एयर बबल वाली पॉलिथीन से की जाती है, जिससे उस सामान पर कोई भी खरोच ना पड़े और उसे ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई नुकसान ना हो। यहाँ तक कि जब आप ई कॉमर्स कंपनी से कोई भी सामान मंगाते हैं, तब भी उसकी पैकिंग एयर बबल वाली पॉलिथीन के साथ होती है। आजकल के टाइम में हर महंगे सामान की अच्छे से पैकिंग के लिए एयर बबल शीट का इस्तेमाल किया जाता है। एयर बबल शीट की मांग सालाना बढ़ती ही जा रही है। ऐसे समय में एयर बबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी? लो डेंसिटी पॉलिथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलिथीन। कौन कौन सी मशीन की जरूरत होगी? एयर बबल मशीन, ईपीई फोम सीलिंग मशीन। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता तो होती ही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के लिए मशीनरी करीबन 4 से 5 लाख तक में आ जाएगी। कितनी जगह की आवश्यकता होगी? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? इस बिजनेस यूनिट को शुरू करने के लिए आपको GST, MSME, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट आदि जैसे जरूरी लाइसेंस लेने होंगे। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो आज ही शुरू कर दीजिए अपना एयर बबल शीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।